नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एंड अदर इंफॉर्मेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। दोस्तों, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA की नई रेजिडेंशियल स्कीम आई है, जिसके तहत मधुबन बापूधाम, इंदिरापुरम, चंद्रशिला, इंद्रप्रस्थ और कोयल एंक्लेव में GDA, LIG, MIG, HIG फ्लैट्स अवेलेबल करवा रहा है, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 15 जनवरी 2020 और क्लोजिंग डेट है 14 फरवरी 2020। इसके तहत एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेंट को भारत का नागरिक होना जरूरी है, एप्लीकेंट 18 साल से ज़्यादा की उम्र का हो, एप्लीकेंट के नाम पर या एप्लीकेंट की वाइफ के नाम पर या उनके माइनर्स बच्चों के नाम पर जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनके नाम पर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट या हाउस नहीं होना चाहिए ऐसी कॉलोनी में जो कि किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कोई लोकल बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बसाई हो NCR में, नेशनल कैपिटल रीजन में। उसके अलावा उनके नाम पर पूरे UP में एक से ज़्यादा प्लॉट या हाउस नहीं होना चाहिए। तो दोनों अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इससे पहले किसी और स्कीम में भी रजिस्टर कर रखा है वो भी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनको अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कीम डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उनका उस स्कीम में और इस स्कीम में दोनों में उनका फ्लैट निकल जाता है या प्लॉट निकल जाता है उनके किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से या उनके अपने नाम से, तो उनको एक जो फ्लैट है उनका वो कैंसिल हो जाएगा और उनको उसकी पूरी अमाउंट रिफंड हो जाएगी। तो आप एक ही स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर अप्लाई आप कर सकते हैं चाहे बेशक आपने पहले भी किसी स्कीम में अप्लाई कर रखा हो। अप्लाई करने के लिए आपको गाजियाबाद की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, www.gdagaziabad.com। वहाँ पर जनहित गारंटी नाम से एक पोर्टल है, उसको क्लिक करना है। मैं आपको ये सब अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जो आपके एप्लीकेशन चार्ज हैं वो 1100 रुपये हैं, जो कि रिफंडेबल हैं। अगर आपका फ्लैट निकल जाता है तो उसके साथ वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे टोटल अमाउंट में। आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ 50 रुपये भी देने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, मगर 1100 रुपये आपके एप्लीकेशन फ़ीस, अब जो एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे आपने जमा किए हैं वो आपके, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो टोटल अमाउंट में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है अलॉटमेंट अमाउंट, सक्सेसफुल कैंडिडेट इन लॉटरी ड्रॉ विल हैव टू डिपॉजिट 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट। आपको अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको 20% फ्लैट की वो कॉस्ट को पे करना है इन कैश, या तो कैश में या बैंक ड्राफ्ट के जरिए 2 महीनों के अंदर अंदर। कब से 2 महीने काउंट होंगे? आपको जब अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, उस तारीख से 2 महीने काउंट होंगे। जो रजिस्ट्रेशन मनी अमाउंट है जो 1100 रुपये आपने पे किए थे वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे, मगर आपने जो 50 रुपये दिए थे वो उनको कहीं भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा, वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस थी, मगर 1100 रुपये आपके एडजस्ट कर लिए जाएंगे। इंस्टॉलमेंट, आप इन फ्लैटों को की जो कॉस्ट है, जो बाकी बची कॉस्ट है 80%, उनको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। LIG, मिनी MIG और MIG के लिए 40 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनेंगी और HIG मल्टी स्टोरी फ्लैट्स के लिए 28 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनेंगी, जो कि 10.5% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेएबल होंगी।
इंस्टॉलमेंट आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप पूरी पेमेंट एक बार में पे करते हैं 60 दिनों के अंदर तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ये LIG के लिए इनवैलिड है, LIG हाउसेस के लिए जिनकी कीमत 10,80,000 रुपये है, आपको मैं नीचे बताऊंगा, मधुबन बापू धाम में सिचुएटेड है। इनकम कोड, इनकम कोड एप्लीकेबल है LIG फ्लैट्स के पर जो कि मधुबन बापू धाम में सिचुएटेड हैं, जिनकी कीमत 10,80,000 रुपये है। उसमें इनकम होनी चाहिए आपकी 3 लाख से 6 लाख, फैमिली इनकम होनी चाहिए 3 लाख से लेकर 6 लाख सभी सोर्सेस से। अगर आप इस स्कीम के अंडर अपने फ्लैट को कैंसिल करवाते हैं या सरेंडर करते हैं, इसमें इन नॉर्मल्स इसमें लिखा गया है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस द रजिस्ट्रेशन अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड बिफोर द लॉटरी ड्रॉ। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपकी जो आपने अमाउंट जो पे की है उसको रिफंड नहीं किया जाएगा, मगर फॉर रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट बिफोर द ड्रॉ ऑफ लॉटरी द डिसीजन ऑफ वाइस चेयरमैन GDA विल बी फाइनल। अगर आप ड्रॉ से पहले अपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट को वापस लेना चाहते हैं तो जो GDA के VC हैं उनका डिसीजन फाइनल रहेगा। अगर वो कहते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापस हो जाएगी और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये वापस नहीं होगी। इफ़ एप्लीकेंट सरेंडर द अलॉटेड फ्लैट विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट एंड ही शी इज नॉट अ डिफॉल्टर ऑन अकाउंट ऑफ any breach of any term and condition, then 10% of registration amount shall be fortified and balance amount shall be refunded without any interest. All original document and receipt will have to be submitted for refund. अगर आप अपनी एप्लीकेशन को 6 महीनों के अंदर अंदर सरेंडर करते हैं और आप किसी भी प्रकार से कोई डिफॉल्टर नहीं हैं तो आपको सबसे पहले अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिल चुके हैं सबमिट करने पड़ेंगे, आपकी 10% अमाउंट काट ली जाएगी और बाकी की आपको दे दी जाएगी। और अगर आप डिफॉल्टर हैं तो आपकी 25% अमाउंट काट ली जाएगी, बाकी की आपको वापस कर दी जाएगी। इन केस ऑफ एनी सरेंडर कैंसिलेशन आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट द होल ऑफ रजिस्ट्रेशन मनी शैल बी फोर्टिफाइड एंड बैलेंस अमाउंट If any shall be refunded without interest। अगर आप 6 महीने के बाद सरेंडर करते हैं तो आपकी जो जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है उससे अगर आप 6 महीने के बाद सरेंडर करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट रख ली जाएगी और कुछ और अगर आपका बाकी होगा तो वापस कर दिया जाएगा, मगर रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापस नहीं की जाएगी। If LOT does not take the possession of the flat on due date, चौकीदार चार्ज ₹1500 per month shall be chargeable and will be increased automatically by 10% every year from 1 April. अगर आप फ्लैट का पोजेशन नहीं लेते ड्यू डेट्स पर तो आपको ₹1500 पर मंथ देने होंगे जो कि 10% आए साल बढ़ते रहेंगे 1 अप्रैल से। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट की जो मैंने बात की है जो ये फोर्टिफाइड हो जाएगी 6 महीने के बाद, अगर आप अलॉटमेंट की डेट से 6 महीने के बाद सरेंडर करते हैं वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10% है फ्लैट की जो आपको पे करनी है एज ए रजिस्ट्रेशन फीस। 1100 अलग है, 1100 फॉर्म फीस है और ₹50 भी वो आपकी फॉर्म फीस थी। जो आपकी फीस जो 45 होगी वो आपकी 10% है जनरल के लिए और सभी कैटेगरी जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST जो कि नोटिफाइड है UP गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी 5% क्योंकि उनको 5% ही पे करने हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट के तौर पे फ्लैट के 5% वो रख ली जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए 3% है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और सीनियर सिटीजन्स के लिए 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है।
जो ड्रॉ का प्रोसीजर रहेगा वो मैनुअल रहेगा। आप वहाँ जा सकते हैं, जिस दिन ड्रॉ होगा आपके सामने ड्रॉ को कंडक्ट किया जाएगा। ये जो फ्लैट है ये प्योरली रेजिडेंशियल यूज के लिए है, इसका इसको किसी भी और यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो फ्लैट्स हैं वो है मधुबन बापू धाम योजना में मिनी MIG, जो कि 10 हैं कुल ग्राउंड फ्लोर के, उनकी कीमत है 24,18,000 रुपये। और जो मिनी MIG हैं जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे हैं, उनकी कीमत 19,30,000 रुपये है, जो कि टोटल 33 हैं, जिनका एरिया 67.51 स्क्वायर मीटर है। इसी प्रकार से LIG, ये LIG वो LIG हैं जिनके लिए आपका इनकम क्राइटेरिया 3 से 6 लाख के बीच में आपकी इनकम होनी चाहिए, आपकी फैमिली इनकम सभी सोर्स से, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एरिया है 41.33 स्क्वायर मीटर, कीमत है 10,80,000 रुपये, टोटल है 113, तो काफ़ी सस्ता फ्लैट है। जो 2 BHK हैं जिसमें S+13 है, जो उनका जो टावर है वो 13 मंजिली है, उसमें कीमत है 33,79,000 और उनका एरिया है 77.48 स्क्वायर मीटर और टोटल है 117। इसी तरीके से कोयल एंक्लेव में भी हैं, इंदिरापुरम न्यायखंड में भी हैं, इंद्रप्रस्थ में भी हैं, चंद्रशिला में भी हैं, मधुबन बापू धाम बहुमंजिला भवनों की योजना भी है इस स्कीम के तहत, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5% है रजिस्ट्रेशन फीस उनके लिए जो कि किसी रिजर्व कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट UP स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता उनकी कैटेगरी को दे रखी है। और बाकी के सभी कैंडिडेट्स के लिए 10% है रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये थी GDA की न्यू रेजिडेंशियल स्कीम। इस स्कीम के अंदर आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।